इन द प्रीवियस लेक्चर आपने आपको सेंटेंस के बारे में बताया था. अ सेंटेंस विच सेज और स्टेट समथिंग इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट. स्टेटमेंट क्या होती है? जो किसी चीज को बताती है. अ सेंटेंस विच सेज और स्टेट समथिंग इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट. फॉर एग्जाम्पल, सीता इज इन द फॉरेस्ट. सीता जंगल में है. तो ये क्या है? ये किसी चीज को बताया जा रहा है, तो ये स्टेटमेंट है. अ सेंटेंस विच आस्क समथिंग इज कॉल्ड अ क्वेश्चन. और जब सेंटेंस में कोई चीज पूछी जा रही हो, फॉर एग्जाम्पल, हु लव्स कैरामेल कस्टर्ड. कौन कैरामेल कस्टर्ड को पसंद करता है? तो इसमें क्या होता है कि कोई चीज पूछी जा रही है, और क्वेश्चन मार्क वाली चीजों में एक बात और होती है कि आपको लास्ट में जब सेंटेंस फिनिश होता है तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना होता है. लेकिन स्टेटमेंट में ऐसा नहीं है. स्टेटमेंट में जैसे ही हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है हमें इसमें फुल स्टॉप लगाना होता है. वी कैन चेंज अ स्टेटमेंट इनटू अ क्वेश्चन. किसी भी स्टेटमेंट को हम क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही इज हंग्री. वह भूखा है. जब हम इसको पहले लगा देंगे और ही को बाद में कर देंगे तो ये स्टेटमेंट से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? क्वेश्चन में. ही इज हंग्री ये एक स्टेटमेंट है, इसलिए हमने इसमें फुल स्टॉप यूज किया है. इस पहले लगा देने से ये क्वेश्चन मार्क बन गया. इज ही हंग्री, क्या वो भूखा है? और उसके बाद लास्ट में इसमें कौन सा साइन आएगा? क्वेश्चन मार्क. अ सेंटेंस विच सेज और स्टेट समथिंग इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट. फॉर एग्जाम्पल, सीता इज इन द फॉरेस्ट. अ सेंटेंस विच आस्क समथिंग इज कॉल्ड अ क्वेश्चन. फॉर एग्जाम्पल, हु लव्स कैरामेल कस्टर्ड. वी कैन चेंज अ स्टेटमेंट इनटू अ क्वेश्चन. फॉर एग्जाम्पल, इज ही इज हंग्री. जब हम इसका यूज पहले कर देंगे तो ये स्टेटमेंट से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये तुरंत क्वेश्चन बन जाएगा. ही इज हंग्री में हमने फुल स्टॉप यूज किया है. क्यों? क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है और इस ही हंग्री में क्वेश्चन है, इसीलिए हमने लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया है. ओके, वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर.